नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बताने वाला हूँ हाथ में बनने वाले गजकेसरी योग का क्या मतलब है। अब आप समझेंगे कि ये गजकेसरी कैसा नाम है। जी, गज कहा जाता है हाथी को और केसरी कहा जाता है शेर को। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों का पावर, माने सिंह का पराक्रम और हाथी का जोर मिलके ये इंसान को और ताकतवर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। इसका शौर्य, जो जिस व्यक्ति का गजकेसरी योग बनता है उसके अंदर पराक्रम और बल दोनों ही होता है, जिससे उसका शौर्य बढ़ता है, तेज बढ़ता है एवं उसके अंदर ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हाथ में देख लेते हैं कौन कौन सा हिस्सा गजकेसरी योग के लिए माना जाता है। सबसे पहले जो हिस्सा है वो ये है, ये वाला हिस्सा जो है ये बृहस्पति का हिस्सा है, बृहस्पति का माउंट है या बृहस्पति का पर्वत है। ये जितना बलिष्ठ और फूला हुआ होगा गजकेसरी का फल उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि गज मतलब हाथी, हाथी का सिंबॉलिक, हाथी जो सिंबॉलिक रूप है वो है बृहस्पति का। और ये है चंद्र का एरिया। चंद्र का जो एरिया है ये केसरी का प्रतीक है। और आप देखेंगे कि दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। ये सीधा सीधी इनके आमने सामने होने के कारण ये बल, दोनों के अंदर का जो बल है ये इंसान को प्रचुर बहुत मात्रा में मिलता है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा एक डिटेल समझा दूं, कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है। जब लग्न भाव से, लग्न भाव में या चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या दशम भाव, मतलब ये केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ड्रॉ करता हूं, उसके पहले मैं इन लकीरों को मिटा देता हूं। तो इसमें जो केंद्र भाव है वो 1, 4, 7 और 10, इनको केंद्र भाव कहा जाता है। वैसे मैं और सब भावों के नंबर दे दूं, 2। तो गजकेसरी योग जो है सबसे ज्यादा फल देता है वो 1, 4, 7 और 10 में। और कईयों का देखा गया है कि ये केंद्र या त्रिकोण में भी रहने से, ये जैसे मैंने जो बताया ये केंद्र है और त्रिकोण स्थान जो होता है ये 1, 5 और 9, ये त्रिकोण स्थान। केंद्र के अलावा त्रिकोण में भी अगर गजकेसरी योग बने तो ये काफी लाभदायक होता है। तो गजकेसरी योग कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे गुरु मतलब जुपिटर और मून लग्न भाव में स्थित हो, एक साथ में युति बनी हो, एक साथ में कंजक्शन उनका बना हुआ हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं काफी पराक्रमी, बुद्धिमान और बहुत सारा ज्ञान लिए हुए रहते हैं। मतलब ये इनका जो ज्ञान के प्रति रुझान होता है बहुत प्रबल होता है। और इतना ही नहीं, वो उस ज्ञान का सही ढंग से उपयोग करना भी जानते हैं। अब दो तरीके से गजकेसरी योग बन सकता है, या समझ लीजिए कि 5 तरीके से गजकेसरी योग बन सकता है। कैसे? अगर लग्न भाव में जुपिटर और मून एक साथ हो, अगर लग्न से पंचम भाव में जुपिटर के पंचम में मून, या नवम में मून, या सप्तम भाव में मून, आमने सामने जुपिटर के या पंचम भाव या नवम भाव में मून रहे, चंद्र रहे, तो इस तरह से गजकेसरी योग बनता है। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में पूर्ण दृष्टि होती है। तो ये चार तरीके से जो है गजकेसरी योग बनता है। 5 तरीके से, पहला जो है लग्न भाव में, दूसरा जो है पंचम भाव में, तीसरा सप्तम भाव में, चौथा नवम भाव में, और आमने सामने, बिल्कुल सीधा सीधी आमने सामने बैठने पे भी गजकेसरी योग बनता है। तो अब जो है डिस्कस कर लेते हैं अपने हाथ की लाइनों में किस तरह से गजकेसरी योग बनता है।
तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर जो है बृहस्पति है और कौन सी जगह पर चंद्रमा यानी मून। ये जो एरिया है ये एरिया बृहस्पति का है और ये एरिया मून का यानी चंद्रमा का है। अगर बृहस्पति के ऊपर कोई क्रॉस का निशान या स्टार का निशान, क्रॉस, स्टार का निशान, फ्लैग का निशान या फिश का निशान बना हो, या कोई त्रिकोण बना हो, तो ये काफी फलदायी कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह से ये चारों निशान अगर चंद्र भाव में बना हो तो ये भी एक काफी पॉजिटिव साइन होता है गज केसरी योग का। अब किन्हीं किन्हीं के हाथ में आप देखेंगे कि चंद्र से निकलती हुई एक रेखा जो है वो लाइफ लाइन को जाकर टच करती है। पहले मैं लाइफ लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। ये होगी मस्तिष्क रेखा, ये होगी हृदय रेखा। तो कोई भी जो रेखा जो है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, इसको शो करता हूं किस तरह से है। कोई भी रेखा अगर चंद्र से निकलती हुई लाइफलाइन को टच कर रही हो तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है गजकेसरी योग का। अगर चंद्र से कोई रेखा निकलती हुई बृहस्पति की ओर बढ़ जाए और बृहस्पति के पर्वत तक चली जाए तो समझ लीजिए इसका जो असर होने वाला है इंसान के ऊपर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग असर होने वाला है। ऐसा इंसान जो है अपने ज्ञान के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर काफी ऊंचाइयों तक जाता है दोस्तों। इनका जो समर्थन होता है, मतलब लोगों का समर्थन भी काफी मिलता है। ऐसे लोग राजयोग का जो, राजयोग की जो सुविधाएं हैं वो भोग करते हैं। अगर इस रेखा के साथ एक भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई बृहस्पति के पर्वत की ओर जाए तो समझ लीजिए ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ऐसे लोग बहुत कम उम्र में काफी फेमस हो जाते हैं, जैसे हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी। उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो उनके हाथ में इस तरह का योग बना हुआ है, इसलिए उन्होंने काफी कम उम्र में ही काफी सक्सेस पा लिया था और आज के डेट में उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ तथ्य गजकेसरी योग के जो आपके हाथ में बनते हैं। और आप अपने हाथ में जरूर देखिए कि किस जगह पर ये आपका गजकेसरी योग बन रहा है या नहीं। आपकी हथेली को अवश्य ठीक तरीके से चेक कर लें। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो अवश्य ही आपके हाथ में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो समझ लीजिए उचित समय पर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक राजयोग में प्राप्त होती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।